कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खरीय से होंगे। आप देख रहे हैं मोदी ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेजबान मोहम्मद शाह इकबाल, अपने चैनल में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ भी अपलोड हो रही हैं और देखा जा रहा है कि 12,000 के करीब जो है वीज़ास मनसूख हो चुके हैं पाकिस्तानी के मुतहदा अमारात इमिग्रेशन में। इसमें क्यों किए गए हैं, कौन से वीज़ा हैं, कौन सी मतलब पोस्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, इमिग्रेशन की तरफ से क्या अहकाम जारी हुई हैं, मुकम्मल तफ़सीलात शेयर करेंगे। उससे पहले आप लोग मुझको गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जो है शेयर ज़रूर कर दें ताकि ठीक हो गया। क्योंकि तमाम लोगों की जो परेशानी है वो बजाय इसके कि जो मिसगाइड चैनल्स हैं उनसे आप बच सकें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताएँ कि हमारे पास जो इतलात पहुँची हैं इसमें जो है डिनाटा और DIA, ठीक है, उसमें जो वीज़ा पोस्ट हुए हैं तकरीबन तमाम तर वो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। मज़ी की बात यह है कि शारजा पोर्टल पर होने वाले वीज़ाज जो हैं वो अभी तक जो है रिजेक्ट नहीं हुई हैं और बताया जा रहा है कि इन पोर्टल्स पर जो वीज़ास हैं उनका रश होने की वजह से जो है मुतहदा अमारात इमिग्रेशन ने इनको रिजेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, डिनाइट और DIA पोस्ट होने वाले जो वीज़ास हैं उनको सिर्फ रिजेक्ट किया जा रहा है, बाकी शारजा वगैरह के जो भी वीज़ा शारजा पोर्टल पर वीज़ा सबमिट हुए हैं अभी तक उनकी तरफ से तो रिजेक्शन नहीं है, लेकिन इम्कान नज़र आ रहे हैं। बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे, लेकिन ये एक दुख की बात भी है कि काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही हमेशा होते हैं और इस बार भी पाकिस्तानियों के साथ ये हो चुका है कि पाकिस्तानियों की तकरीबन और भी कुछ इतलात हैं लेकिन आएंगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन और ज़रूर कीजिएगा, क्या पता आपका हम आपकी रहनमाई कर सकते हैं। तो DIT और DIA पोर्टल पर जो सबमिट हुई हैं वीज़ा वो सिर्फ रिजेक्ट हुई हैं, बिशारे वगैरह फिर कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट। अपना अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।